तुम बहुत खूबसूरत हो। एक बात बताओ, सोडा पीकर तुम्हें नशा कैसे चढ़ सकता है? तुम शराब कभी मत पीना, तुम जंगली बन जाओगी। तुम चुप क्यों हो? हे, जंगवू को तुम जानती हो ना? क्या तुम उसके करीब नहीं थी गुही? हम करीब नहीं थे। अच्छा, मुझे लगा तुम उसे पसंद करती हो। तो मैं ये तुम्हें दिखा सकती हूँ? अच्छा, तो क्या ये उसने बनाए? मुझे पेपर क्रेन बिल्कुल पसंद नहीं, उसके बदले मुझे खाना पसंद है। मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हें अपने जाल में फंसाएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम नहीं जानती, जो लड़का लड़की को आसानी से आकर्षित करता है उसे जाल में फंसाना कहते हैं। हालांकि वो नॉर्मल दिखते हैं। क्या तुम अंधी हो? वो एक लूजर है, वो मेरे आगे पीछे घूमता था। मैं उससे बहुत नाराज थी। उसने मुझे प्रेजेंट्स भी दिए, लेकिन मैं जानती थी उसे ये किसी और से मिले हैं। जंगवू एक खराब लड़का है। क्या हुआ अगर ये पेपर क्रेन किसी और ने बनाए हो तो? मुझे समझ नहीं आता, कोई किसी की बातों में कैसे आ सकता है। ये बहुत बुरा हुआ, ये बहुत बुरा हुआ। रिवेंज नोट, ये फिर से आ गया। उसने मुझे दुख पहुंचाया, उसे भी उतना ही दुख होना चाहिए जितना मुझे हुआ। जरा धीरे धीरे खाओ भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? ये क्या है? कोई स्पैम है क्या? गरम है। मुझे रिसीप्ट नहीं चाहिए। ये लीजिए। थैंक यू। मेरे शूज कहाँ गए? पता नहीं कौन था, एकदम नए शूज थे। अबे जल्दी चल, क्लास के लिए लेट हो रहे हैं। अबे ये देखिए 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 देखिए। अरे सुनो, देखो ये देखो। क्या? देखो, अरे मैंने कुछ जीता है। अरे सच में क्या? कौन सा इवेंट? ऐसा विनर मुझे चिकन मिलने वाला है। मिस्टर की जंगबू कौन है? मैं हूँ। ये बहुत जल्दी आ गया। वाह वाह वाह। पता नहीं ये कहाँ से आया है, क्या ये कोई खेल था? जो भी है, मैं बहुत खुश नसीब हूँ। टूट पड़ो। अरे कहाँ जा रहा है तू? अरे अरे, सुसाइड करने वाला है क्या? मुझे छोड़ दो, मुझे अरे पकड़ो। अरे मैंने कहा था ना, मुझे मत पकड़ो। ये बदबू कैसी? अरे बाप रे, कितना गंदा है।
ये क्या हो रहा है? अचानक ऐसा कैसे हो गया? Your revenge is complete. ये क्या हो रहा है? किसने किया ये? Delete my account. अलविदा मेरे पहले प्यार. क्योंकि मैंने रिवेंज नोट पर एक नाम लिखा था, मेरा बदला पूरा हुआ. ये क्या बात हुई? ये किसने भेजा होगा? अगर जंगू से बदला लिया है तो ये इंसान मुझे भी जानता होगा. इस बात का कोई मतलब नहीं बनता. ओह, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें दरवाजा तो खटखटाना चाहिए. मैंने खटखटाया था, तुमने ही नहीं सुना. बहुत गंदे हो तुम. बहुत गंदा ये. पता नहीं ये किसका काम है, समझ नहीं आ रहा मुझे. परेश का तो बिल्कुल नहीं हो सकता. अरे कीबोर्ड टूट जाएगा. होमवर्क कर रही हो क्या? बिल्कुल नहीं, मैं यूनहू के कोड्स इकट्ठा कर रही हूँ. इससे मुझे आसानी से पता चल जाएगा कि उसने कब कहाँ क्या कहा था. मैं डेटाबेस बना रही हूँ, ये थीसिस नहीं है. तुम्हें डेटाबेस की क्या जरूरत है? थक नहीं जाती तुम? इसकी मीठी बोली सुनकर मेरे कानों को सुकून मिलता है, मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है और मैं उसके ख्यालों में खो जाती हूँ. तुम सुनना चाहोगी? हाय, मैं हूँ चैन यूनहू. वैसे मैंने पिछली बार तुम्हारे भाई की आवाज सुनी, उसकी आवाज बिल्कुल यूनहू की तरह है. नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है. ये तो बिल्कुल नहीं मिलती. नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं. अरे वाह, तुम्हारी ड्राइंग तो बहुत ज्यादा अच्छी है. मुझे तो ड्राइंग का डी भी नहीं आता. अगर तुम किसी के फैन हो तो ये कर सकती हो. मैं उसके फोटोज बनाना चाहती थी, इसलिए मैंने लाइसेंस निकाल लिया. अच्छा, काश तुम पढ़ाई पर इतना ध्यान देती है. जरा सोचो, ऐसा कुछ नहीं है जो ये नहीं कर सकती. क्या यही वो मास्टर हो सकती है? तुम सबको डॉजबॉल के रूल्स मालूम है ना? अगर लड़के को हिट हुआ तो वो काउंट नहीं होगा, लेकिन अगर लड़कियों को हिट हुआ तो आउट हो जाओगे. और हाँ, जो भी टीम जीतेगी उसको मैं ए ग्रेड दूंगा. ठीक है, रेडी? चलो अपने पार्टनर चुन लो. गोई, तुम शिंजी के साथ जाओ. तुम दोनों पार्टनर्स हो. इतने सारे लड़कों में से इसे ही मेरा पार्टनर बनना था. मुझे डॉजबॉल खेलना नहीं आता. शिंजी, मुझे डॉजबॉल नहीं आता. हम पहले राउंड में ही हार जाएंगे, इसलिए मुझे माफ कर देना. आई एम सो सॉरी. तुम सिर्फ पीछे ही रहना. चलो स्टार्ट करो. मुझे तो मुझे तुम अपनी आंखें बंद क्यों कर लेती हो? खुली रखो ना. I'm sorry, तुम्हें लगी तो नहीं? मेरी फिक्र मत करो, तुम बस पीछे रहो. बहुत अच्छी टीम, फिर से कोशिश करो. हाँ,
भोगो ही, क्या तुम्हें शिंजी के लिए बुरा नहीं लग रहा? कहीं तुम रो ना दो। देखो शिंजी ने तुम्हारे लिए कितनी मार खाई, उसका वजन भी कम हो गया है। हाँ बकवास बंद करो, अपने मुंह से खेलते हो क्या तुम? दिखा दो। गोई एक बार तो बॉल कैच कर ले। सॉरी, ये ट्रीट मेरी तरफ से है, जितना चाहे खा सकती हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? मुझे चोट लगी है तो मैं ज्यादा खाऊंगी क्या? मैं जिंदगी में पहली बार बेहोश हुई हूँ, अभी तक मेरे सिर में दर्द हो रहा है। सॉरी, मुझे लगा था शिंजी बॉल रोक लेगा, किसे पता था तुम सामने आ जाओगी। एक बात बताओ, तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है ना? क्या? थोड़ी देर पहले जब तुम बेहोश हुई थी तब वो मोटा तुम्हें ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शिंजी डर गया और उसने तुम्हें उठा लिया। शिंजी ने ऐसा किया? शायद शिंजी तुम्हें पसंद करता है। क्या बोल रही हो, क्या बकवास कर रही हो? मैं जानती हूँ इस बात में दम नहीं है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस मुझसे ये कहता है। तुम मजाक कर रही हो ना, मुझे पता है। सॉस देना। ये देखो शिंजी आ गया। ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? क्या ये सच में मुझे पसंद करता है? ओह नो। सुनो, मैं मेन्यू देख नहीं पा रहा हूँ, जरा अपना सर हटा लेना। हाँ ओके। उसमें कुछ है क्या? अरे कुछ तो होना ही चाहिए, देखो तो सही। चलो यहाँ से, आजकल के बच्चे बहुत ढीठ हैं। अरे ढीठ होंगे अपने घर पे, मेरे बच्चों जितनी ही उम्र है, तुम बस देखते जाओ। मत ले यार, हमारे साथ है ना तू। चलो आओ ना, आगे आओ। बैग में बहुत कुछ है। ए, सुनो तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो और ये क्या कर रहे थे? हाँ, दोस्तों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तुमने इसके पैसे क्यों लिए? अरे यार ये बुड्ढा यहाँ क्या कर रहा है? देखो अंकल, अगर अपनी भलाई चाहते हो ना तो निकल लो यहाँ से। शरारती बच्चे हैं। देखो तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लगता है आपको हिंदी समझ में नहीं आती। कहा ना जाओ यहाँ से। बच्चे होकर ऐसी हरकत करते हो, रुको मैं तुम्हें रुको दिखाता हूँ। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। चल बुड्ढे, मैंने कहा ना उसे जाने दो। मारो इसे, बड़ा होशियार बनता है। रुक जाओ, रुको, रुको, क्या कर रहे हो तुम लोग? मार के दिया तो। अरे यार माफ कर दीजिए, आप ठीक तो है? अरे अरे चलो चलो, माफ कीजिएगा, आपको लगे तो नहीं, आप ठीक तो है ना? ठीक है, मैं पुलिस को बुलाने वाला था लेकिन मैंने सोचा बच्चे हैं इसलिए मैंने आपको बुलाया। देखो जरा आप ही समझाओ इन्हें। जी जरा इनके चेहरे देखो, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें देखकर दुख मनाते होंगे, जरा समझाइए इन्हें। जी जी मैं समझाऊंगा, चलो मेरे साथ बदमाश कहेंगे। चलो क्या करते रहते तुम लोग, छोड़ो मेरा कान दुख रहा है। समझ में नहीं आता तुम लोग को? आओ। पापा, पापा, क्या हो रहा है? तुम्हारे डैड फिर से अच्छे बनने की कोशिश कर रहे थे, बाल बाल बच गए। आपके अरे कुछ नहीं, मैं गिर गया था। जाओ चलो, ठीक है ये लो, कुछ नहीं हुआ, ठीक है चलो चलो। अरे चलो ना। अरे कुछ नहीं हुआ बेटा, कहा ना। अगर है तो पानी की बोतल वक्त पर भरना, ऐसा तुम्हें नहीं लगता गूही? गूही, तुम्हारी वजह से मैं पानी तक नहीं पीती हूँ। सॉरी, मैं अभी भर देती हूँ। ओके
बस इतना ही? सॉरी के बदले तुम हमारे लिए कुछ स्नैक्स खरीद कर लाओ। सही कहा, हमें भी बहुत प्यास लगी है, हमारे लिए जूस भी ले आना। और हाँ, वो 100% वाला रियल फ्रूट जूस होना चाहिए। मुझे भी प्यास लगी है, मेरे लिए भी जूस लाना। कहीं कुछ भूलोगी तो नहीं? कहीं मैं कुछ भूल ना जाऊं। मुझे वो चॉकलेट दीजिए, और वो ब्रेड, वो जूस भी, और वो जेली भी, वो भी दीजिए। शिनजी सुनो, यूरा ने मुझसे तुम्हें क्लब रूम में बुलाने को कहा है, तुम कब फ्री होगे? मेरे पास टाइम नहीं है। तुम्हें नहीं लगता यूरा का तुम्हें बुलाना ये एक बड़ी बात है? बहुत से लोग उससे दोस्ती करना चाहते हैं। तो फिर उन लोगों को उसके पास ले जाओ ना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। चलो। ये लो, मैं सारा सामान ले आई। हाँ, ये तो बहुत है। थैंक यू। कोई बात नहीं गुगी। थैंक्स मत कहो। बिल तो मैंने तुम्हारे नाम पर ही बनवाया है। हो गई, एक बात सुनो। तुमने तो आज कमाल कर दिया। मुंह खोलो, जरा अपना मुंह तो खोलो। ये लो। तुम्हें मरना है क्या? यार और कितने दिन ये सब करना होगा? तुम करो। एक महीने। हमारी हालत उस बुड्ढे की वजह से है। तुम क्या उसे ऐसे ही जाने दोगे? पागल हो गया। इसका जुर्माना तो देना होगा। मैंने तुमसे कौन है? ज़ॉम्बी हैं हम, पता है ना? जो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं, बदला तो लेकर रहेंगे। मैं तो नहीं आऊंगी। वो देखो, ये वही है जो कल रात उस बुड्ढे के साथ थी। क्लास में आओगे? ए, सुनो सुनो, इधर आओ। नाम क्या है तुम्हारा? तुम मेरा नाम क्यों पूछ रहे हो? हे, जो पूछा उसका जवाब दो, जल्दी से नाम बताओ। हुगुही। इसका मतलब बेवकूफ। बेवकूफ? कैसा नाम है? बुद्धू नाम कैसा रहेगा? हाँ, हुगुही। वैसे ये बताओ कि आजकल तुम्हारा रेस्टोरेंट कैसा चल रहा है? तुम्हें कैसे पता हमारा रेस्टोरेंट है? दरअसल मैं तुम्हारे डैड का एहसान मंद हूँ। अब देखो ना, हमें इतनी परेशानी तुम्हारे डैड की वजह से तो हो रही है। हाँ, दिमाग में कुछ घुसा या नहीं? क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? हाँ, इसका मतलब कल रात वो तुम लोग थे। लो, इसे अभी तक समझ में नहीं आया। तुम्हें हम सब इसे माफी मांगनी चाहिए। माफ करना, मेरे डैड हमेशा दूसरों के मामले में दखल देते रहते हैं। अरे, हमें ऐसी माफी नहीं चाहिए, तुम्हें ठीक से माफी मांगनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझ गई बुद्धू। 2500 रुपए हुए हैं। क्या? 2500 रुपए हुए हैं। मैम, मैं अगली बार सारे पैसे दे दूंगी। इस बार मुझे सब ले जाने दीजिए प्लीज, मैं अगली बार दे दूंगी। नहीं, ये सारी चीजें बहुत महंगी है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं तो इसे मत खरीदो। मुझे इन चीजों की जरूरत है। नहीं, लो इसे यूज करो। 2500 रुपए हैं। ठीक है, एक पानी का बोतल भी ऐड कर लो। तुमने क्यों दिए? मैं... कोई बात नहीं, तुम्हारे पास पैसे होंगे तो लौटा देना। थैंक यू। तुम कुछ ज्यादा ही खाती हो। वो कितना हैंडसम और प्यारा है, बिल्कुल एक एंजल जैसा। इसके गाल तो देखो, इन गोरे गालों पर डिंपल अच्छा लगेगा। कहो तो बना दूं? ऐसा चेहरा बनाऊंगी तो लोगों को लगेगा हम तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। हाँ, चलो साथ में मजे करते हैं। रोना बंद करो। हाँ, रोना बंद करो और जरा हंस दो। ये गिर रहा है। चलो चलो, तीन मुंह बना के खाओ। बस तीन मुंह। हाँ, बस तीन। हाँ, देखो। अरे वाह। हाँ, चलो अपनी नाक खुलाओ। हंसो हंसो। अरे हंसो।
अपनी नाक खुलाओ, चलो दिखाओ। अरे दिखाओ, हाँ नाक खुला के दिखाओ। ये आ आ बढ़िया, ये हुई ना बात। ये देखो ये देखो दिखाओ दिखाओ ये देखो। सुनो, जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगा तो तुम्हें आना पड़ेगा, समझ गई? क्या हुआ, तुम इतनी सैड क्यों लग रही हो? वो लोग बहुत बुरे हैं, उन्हें जानी दुश्मन के तौर पर जाना जाता है। तुम्हारा गलत लोगों से पाला पड़ा। मेरा सपना है एक शांत और नॉर्मल हाई स्कूल की जिंदगी जीने का। क्या मैं बहुत ज्यादा ही मांग रही हूँ? कौन है? हेलो सर, आपने चिकन ऑर्डर किया था ना, वही लाया हूं। मैंने तो ऑर्डर नहीं किया। हेलो सर, आपका चिकन लाया हूँ। मैंने चिकन ऑर्डर नहीं किया। आपका ऑर्डर, आपका चिकन। क्या मुसीबत है। मॉम क्या हुआ, उदास क्यों हो? कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर गलत कमेंट किए हैं कि हमारे चिकन का टेस्ट बिल्कुल ख़राब है और इस वजह से आज दिन भर कोई कस्टमर नहीं आया। क्या हुआ, सारा चिकन वापस क्यों ले आए हो? उनका कहना है कि उन्होंने ऑर्डर नहीं किया था। क्या, ऐसे कैसे ऑर्डर करके वो मना कर सकते हैं? और आप चिकन वापस क्यों लेकर आ गए? अरे तो मैं क्या करता? आज कितनी बार ऐसा हो गया है हा? आपको उन्हें ये खरीदने के लिए कहना चाहिए था ना। अगर आप ऐसे चिकन वापस लाते रहे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। पापा आपकी अच्छाई हमें भारी पड़ रही है, अगर आप उस दिन वहाँ ना होते तो ये सब ना होता। अब तुम्हें क्या हो गया है, करेले की सब्जी खा ली थी क्या? आप हमेशा दूसरे लोगों के मामलों में क्यों पड़ते हो? आपकी वजह से मुझे कितनी परेशानी हुई पता भी है आपको? आखिर हुआ क्या है, कुछ बताओगी भी कि नहीं? मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है मॉम, इसके जिम्मेदार आप हैं डैड। मैं आ गया। क्या हुआ, यहाँ क्या हो रहा है, कोई कुछ बताएगा? गूही, थोड़ी देर पहले क्या हुआ था बताओ ना, तुम वैसी नहीं हो जैसे तुमने अपने डैड से बात की। ये सब डैड की वजह से हुआ है। मैं भी दूसरों की तरह शांति से जीना चाहती हूँ, लेकिन मेरी डैड की वजह से। ये देखो, इन तस्वीरों ने सब कुछ बता दिया है, लेकिन तुमने ऐसी तस्वीरें क्यों ली? तुम्हें ये सब कैसे पता? वो छोड़ो, बस ये बताओ कि आखिर हुआ क्या था। मैंने उनसे कहा था ऐसा मत करो। उन्होंने मुझसे कहा अपने पेरेंट्स को मत बताना, और उन्होंने मुझे धमकी भी दी। मुझे बहुत डराया। युनवू, गुही, क्या हुआ? वो थोड़ी देर पहले जो मैंने तुमसे कहा, वो सब मॉम डैड को मत बताना प्लीज। अगर डैड को पता चल गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी।
बहुत बड़ी प्रॉब्लम। ठीक है, नहीं बताऊंगा। मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ दिन बाद वो अपने आप ही रुक जाएंगे, है ना? लेकिन अब अगर कुछ होता है तुम्हारे साथ तो मुझे जरूर बताना, ठीक है? समझ गई? नहीं, तुम एक हीरो हो और तुम्हें इस सब में पड़ने की जरूरत नहीं है। तुम बहुत फिक्र करती हो, समझ गई? फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे स्कूल नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना। फिर से दर्द हो रहा है, क्या करूं? तुम रिवेंज मास्टर बनना चाहोगे? क्या मैं ये फिर से करूं? नहीं, ये अच्छा नहीं रहेगा, इसमें कुछ गड़बड़ लगती है। देखिए, आपको कोई गलत फहमी हुई है, प्लीज मेरी बात सुनिए। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी, आपके खिलाफ बहुत सी रिपोर्ट्स आई हैं। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। आपके ऑफिस से भी तो हमें बहुत सारे ऑर्डर्स मिलते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम अच्छा ऑयल और अच्छा चिकन यूज करते हैं। उनका कहना है कि आपके यहाँ खाने के बाद उनको फूड पॉइजनिंग हो गई, तो अब हम क्या करें? हमें हमारा काम करना ही होगा। इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको कैसे पता कि फूड पॉइजन हमारे चिकन की वजह से हुआ है? वो मैं रोज खाता हूँ और मैं ठीक हूँ। वो तो इंस्पेक्शन के बाद पता चल ही जाएगा। जब तक कोई रिजल्ट नहीं आता तब तक आपका रेस्टोरेंट बंद रहेगा। अगर फिर से ऐसा कुछ हुआ तो अंजाम ठीक नहीं रहेगा। चलो ये अब क्या करेंगे? सुनिए सर, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मेरी बात सुनिए सर। अब हम क्या करेंगे? मैं देखता हूँ, हमें ढूंढना होगा हमारे चिकन में ये बैक्टीरिया कहाँ से आया। तुम क्या बोल रहे हो, कैसा बैक्टीरिया? वो सब मुझ पर छोड़ दो, हमें सबसे काम लेना होगा। हम तो अपना काम ठीक तरह से कर रहे थे, ये सब क्या हो गया? मुझे चक्कर आ रहे हैं। देखो तुम ज्यादा फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम चिंता मत करो, मैं कोई रास्ता निकालूंगा। हे हुगु, कहाँ जा रही हो? मैं घर जा रही हूँ, जरा जल्दी में हूँ। तुम्हारे मुंह में जबान भी है। मैंने कहा ना, हम तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे और तुम हमें खाना खिलाना। जब तक तुम्हारा चिकन रेस्टोरेंट है तब तक कोई परेशानी नहीं होगी। हमारा रेस्टोरेंट ठीक से नहीं चल रहा है, छोटा सा ही रेस्टोरेंट है और काम भी ज्यादा नहीं चल रहा है। अच्छा, तो तुम हमें मना कर रही हो? लगता है तुम्हें हमारी बात ठीक से समझ में नहीं आई, अभी समझाता हूँ। सुनो, इसे जाने दो, उसके बाद बात करते हैं। देखो तो अब ये कौन है, हीरो बन रहा है। बहादुर बच्चे पसंद है मुझे, बॉडी भी अच्छी बनाई है, लेकिन जानता है हम कौन है? ज़ॉम्बी हैं हम। अच्छा है, तुम ज़ॉम्बी हो तो मैं ज़ॉम्बी हंटर हूँ। रुक जाओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत। रुक जाता, तेरी इतनी हिम्मत। भाग गए डरपोक कहीं के। तुम ठीक तो? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। तुम्हें किसने कहा था मेरे मामले में पढ़ने के लिए? आइंदा मेरे मामले में मत पढ़ना, समझे तुम?
इसे क्या हो गया? हमने तो उसे बचाया और ये हम भी नाराज हो रही है। मैं आ गई। ये फ्रूट बास्केट किसके लिए है? अरे आप क्या कर रहे हो, जल्दी करो। वहां रही वो आदमी जिसे फूड पॉइजनिंग हुई है, वो यही है, उससे बात करने की कोशिश करते हैं। पापा इसका कोई फायदा नहीं होगा, हम पहले ही माफी क्यों मांगे? देखो हमें एक बार आमने सामने बात करनी चाहिए ताकि सारी गलतफहमी दूर हो जाए, समझी ना? अब चलो भी। चलो चलो। हेलो सर, कैसे हैं आप? क्या आप मिस्टर चा कांग बे हैं? मैं हेलो मैम, हम बस इनका हालचाल पूछने आए थे। क्या देखने आए हैं आप? आप ही की वजह से इसकी यह हालत हो गई है। आप ही के यहाँ का चिकन खाया था ना? लेकिन अब तक जांच की कोई खबर नहीं आई है मैडम। हाँ। आप ऐसा कैसे कह सकती हूँ? मतलब मैं सब जानती हूँ, ये सब आप ही की वजह से हुआ है। निकल जाइए यहाँ से। देखिए हम कहाँ ना निकल जाइए यहाँ से, वरना बहुत बुरा होगा। सच कहती हूँ, ये ले जाइए। अरे ये आप ठीक तो हैं? आप ठीक हैं कि नहीं? ये क्या कर दिया आपने? बहुत गलत बात है ये। चले जाओ यहाँ से। चलिए। एक तो मेरे बेटे को बीमार कर दिया, ऊपर से हाल पूछने आए हैं। बेशर्म कहिए। चलो जाओ तुम भी। ठीक है। टुकुर देख रही हो? बस थोड़ी दूर और। इस आग से दिख नहीं रहा। बस बस पहुंच गए। बस पहुंच गए। आराम से। हाँ, आराम से बैठिए। संभल कर। आराम। पापा संभल। हाँ, हाँ, सब ठीक हो जाएगा। मॉम, मैं थोड़ा पानी लेके आती हूँ। हाँ ठीक है। पेशेंट की ड्रेस में जच रहा है भाई तू। हाँ बिल्कुल। अरे सही कहा। मेरी माँ भी धोखा खा गई। हाँ क्या नाटक करते रहते हैं। अब देखना जल्दी उनके रेस्टोरेंट को ताला कैसे लगता है। तुम देखना वो बुड्ढा कैसे रास्ते पर आएगा। तो हमारी इस हालत के पीछे इनकी चाल है। यूरा इससे खुश नहीं है। यूरा ने शिंजी को बुलाया था। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो क्लास के बाद आकर हमसे मिलो। तैयार? हाँ।